आपने पहले पार्ट में देखा गगन और उसकी फैमिली अपना पुराना घर खाली करके एक नए घर में जाते हैं जिसे उन्होंने सिर्फ 50,000 में खरीदा होता है। तीनों लोग नए घर में पहुंचते हैं और उनके पास जो चाबी होती है उससे वो गेट नहीं खुल रहा होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि मेन चाबी घर के पीछे है। गगन चाबी लेने घर के पीछे जाता है और वहां उसे तीन भूत मिलते हैं। गगन उनसे बहुत डरता है लेकिन उनसे ना डरने का नाटक करता है और उसे चाबी लेके मम्मी पापा के पास आ जाता है और मम्मी पापा को भूत के बारे में बताता है लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। फिर सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। गगन अपने रूम में अपनी फोटो लगाने जाता है और वहाँ फिर से उसे भूत दिख जाते हैं। गगन भाग के मम्मी पापा के पास आता है और उन्हें बात बता ही रहा होता है तब तक भूत हमारे सामने आ जाते हैं और हम तीनों बहुत डर जाते हैं और भूत को बहुत तेज भूख लगी होती है। वो अपना चाकू निकालते हैं और हमें मारने जा ही रहे होते हैं। अब हमें मारा या नहीं मारा आपको इस पार्ट में पता चलेगा। तुम सर क्यों कर रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो? हम ना रानी मुंडी का कंपटीशन दे रहे हैं। फिर जब आप खाओगे हमें तो आई तो चिल्लाएंगे, क्या खा जाएंगे थोड़ी भी चिल्लाएंगे। अरे लेकिन मैंने अभी मारा खा है। तुम मार दोगे तुम आ कैसे करेंगे, इसलिए पहले ही आ कर रहे हैं। तो तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या कैसे जीते तुम दोनों? पापा ये बात तो ठीक कह रहा है, जब हम मरने वाले थे तो हम भी आ चिल्ला रहे थे और अब मरने के बाद हंसते हैं। देखा आपका बेटा कितना समझदार है। कुछ सीख लड़ाक, उससे कुछ सीख तू। तुमको मेरे चैन नहीं है, जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है ठीक है, चिल्ला चुके ना तुम सब, अब मरने को तैयार हो जाओ। अरे रुको रुको पापा रुको। क्या हुआ, मरने से पहले और भी कुछ चिल्लाना होता है क्या? चुप, आ ही चिल्लाते सिर्फ। ओ हाँ, फिर मेरे को रोका कि तूने इन्हें मार रहे थे? पापा आज इन्हें हम नहीं मार सकते हैं। पर बेटा क्यों? मम्मा डैडी आज ना मंगलवार है और मंगलवार को नो नॉन वेज। बेटा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका बेटा बहुत समझदार है और आज मंगलवार है और मंगलवार को नॉन वेज अस्वीकार है। आज तो हम बच के भगवान का कमाल है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आज आज जी लो तुम सब लोग, कल तुम सब लोगों को स्टार बना दूंगा। मम्मी लगता है भूत कहीं गायब हो गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है घर के पीछे चले गए हैं। पीछे नहीं गए, पीछे से तो भी आए थे। मुझे लगता है वो अपने खाने का इंतजाम करने गए हैं, हमको तो खा नहीं पाए ना। वैसे गगन एक बार बताऊं, बहुत अच्छे भूत हैं, मंगलवार मानते हैं, एक तू है। अरे मम्मी आप ही डांटने लगी मुझे पापा की तरह। तुम तो शुक्र करो कि आज मंगलवार है, नहीं तो वो लोग तो मैं आज काड़ी डालते। पापा मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तीनों छत पे चल देते हैं, कहीं फिर वो वापस आ गए, उनका मूड बन गया तो मंगलवार की भी खा सकते हो हमें। अरे मुझे छोड़ के चले गए, 50,000 गुप्ता जी ने इतना महंगा मकान ना इसीलिए हमको दे दिया क्योंकि इसकी पूरी कौड़ी नहीं देता उन्हें कोई। मम्मी गुप्ता जी ने हमें 50,000 में घर नहीं मुसीबत दे दी, मुसीबत। मुझे क्या पता था 50,000 में घर के साथ साथ भूत भी फ्री दे देंगे। भूत तो फ्री में मिले ही मिले, 50,000 के चक्कर में फ्री में जान भी जाएगी हमारी। नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू ना टेंशन मत ले। अरे मम्मी मुझे मरने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो ये टेंशन है कि जब मरने के बाद हम भूत बनेंगे तो मुझे वो लाल सफेद फेस लेके घूमना पड़ेगा। चुप कर दो, मुझे एक बात बताओ, मकान के लिए तुमने मेरे को 25,000 रुपए दिए थे, वो तुम 25,000 रुपए कहाँ से लाई थी? Capital.com से। Capital.com? ये क्या है? Capital.com दुनिया के बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और 2021 में Capital.com को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स अवार्ड मिला है। इसके अलावा Capital.com की 4,000 से अधिक कंपनियों तक की पहुंच है और इसमें आप स्टॉक, फॉरेन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का CFD में ट्रेड कर सकते हैं। अरे वाह मम्मी आप तो बहुत समझदार हो, और बताओ मुझे इसके बारे में। हाँ, और तुम इसमें कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये मोबाइल और वेब दोनों में अवेलेबल है। पर मुझे तो ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। डोंट वरी, मुझे अच्छी बात तो ये लगती है कि Capital.com अपने यूजर्स की चिंता करता है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो इनके डेमो अकाउंट में ट्राई कर सकते हो और फिर यहाँ कोई लॉस भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें एजुकेशन ऐप, इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेडिंग गाइड्स भी हैं
बेटा मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर हर मंथ कोई ना कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर तो $4200 और बहुत सारे अच्छे गिफ्ट जीत सकता है। और इसकी और जानकारी चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। अच्छा ये बताओ हमें इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे, ये सोचो अब हमें करना क्या है। हाँ पापा, नहीं तो हमें भूत खा जाएंगे कल, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? गुप्ता जी को फोन कर लेते हैं, वो आकर भूत से बचने का कोई ना कोई उपाय तो बताएंगे ही ना। हाँ पापा, जल्दी से गुप्ता जी को कॉल करके बुलाओ, नहीं तो भगवान हमें बिना कॉल करे बुला लेंगे ऊपर। ठीक है बेटा, मैं फोन करता हूँ एक मिनट। करो। बेल जा रही है। हेलो गुप्ता जी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। देखो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आप घर के बाहर आके मुझे कॉल करो, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ, प्लीज। चलो जब तक हम नीचे चलते हैं, देखते नीचे क्या हो रहा है। चलो 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 चलो। भगवान, मम्मी ये टकटक चिप्स हम कब तक खाते रहेंगे? देखो ना मैं भी टकटक की तरह पतला हो गया हूँ, आप कुछ और चुरा के क्यों नहीं लाते हैं दुकान से? हाँ हाँ मैं भी कब से यही कह रहा हूँ, पर ये मेरी सुनती नहीं है। क्यों सुनो तुम्हारी, जब जिंदा थी जब बीबी थी तुम्हारी, अब मैं भूत बन गई हूँ, अब मुझसे नहीं बनता खाना वाना, जो मिल रहा है ना दूसरों चुपचाप, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अबे चुप हो जा, आराम कर, चुप हो जा। बहुत ही अच्छा जोक था ना बेटा। हाँ बहुत अच्छा जोक था, लेकिन ये तीनों भूत गए कहाँ? देखो तुम लोगों के भागने का कोई चांस नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हो भूत अंकल, एक काम करते हैं हम तीनों ना पैदल चल के बाहर चले जाते हैं। नहीं, तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि कल हमें नॉनवेज खाना है। अच्छा ठीक है भूत अंकल, मैं ना शुक्र बाजार से जाके आपके लिए चिकन ले आता हूँ, चलो। ए, रुक, लेकिन आज तो मंगलवार है और मंगलवार को शुक्र बाजार से चिकन कहाँ से मिलेगा? अच्छा बेटा हमसे होशियारी, तुझे डर नहीं लगता हमसे? अरे अरे इसको माफ कर दो, ये मेरा बड़ा ही मासूम बेटा है। हाँ इसे बचपन से हद से ज्यादा बोलने की बीमारी है। मम्मी आपने मुझे पहले नहीं बताया कि मुझे ऐसी भी कोई बीमारी है। चुप कर रहा है। तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों इस घर से बाहर तो जा सकते हो पर 10 कदम से ज्यादा नहीं, अगर तुम ज्यादा बाहर निकले तो तुम वही भस्म हो जाओगे। पापा फिर गुप्ता जी घर के अंदर कैसे आएंगे? अरे वो तो इनसे पूछना पड़ेगा। मैं पूछ लूँ पापा? हाँ सिर्फ पूछना, लेकिन इनको गुप्ता जी के बारे में कुछ बताना नहीं, नहीं तो वो भी यहाँ के फंस जाएंगे। हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं इनसे ऐसे पूछूंगा कि इनको पता नहीं चलेगा कि हम गुप्ता जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या खुसर फुसर हो रही है? हाँ कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही। आंटी अजी मुझे आंटी बोल रही है, अभी मुझे मरे हुए सिर्फ 25 साल हुए समझा और आंटी बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं अपनी मम्मी से बोल रहा था कि हमारे पहले वाले घर के पड़ोस की आंटी की बहुत याद आ रही है मुझे, तो क्या मैं उन्हें बुला लूं? ठीक है बुला लो, पर ये बात ध्यान रखना कि घर के गेट से 10 कदम आगे मत जाना, ठीक है? हेलो, हाँ गुप्ता जी, हाँ हाँ हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है आइए आइए आइए। आ रहे गुप्ता जी, ठीक है आ रहे, ठीक है। हाँ जी तो कैसा लगा आपको यह घर, है ना एकदम बढ़िया? गुप्ता जी बढ़िया नहीं, ये घर भूतिया है, भूतिया। हाँ और आपको पहले से पता था ना ये घर भूतिया है, इसलिए आपने मैं सिर्फ 50,000 में बेचा।
नहीं नहीं बेटा, हमें तो कोई खबर ही नहीं थी कि ये घर भूतिया है। अच्छा तो तुमने ये घर हमें इतने सस्ते में क्यों बेचा, बताओ बताओ। क्या हुआ गुप्ता जी, आपकी टेप अटक क्यों गई? जल्दी जल्दी बताओ नहीं तो भूतों को बुला के आपको भूतिया निकलवा दूंगा। वो हुआ यूं था कि जहाँ आप लोग पहले रहते थे ना, वहाँ आपके पड़ोसी लोग आपसे बहुत परेशान हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये घर मैं आपको सस्ते में बेच दूं, और इस काम के लिए उन्होंने मुझे 1-1 लाख रुपए दिए, और मुझे पता नहीं था ये घर किसका है, और यहाँ कोई रहता भी नहीं था, इसलिए मैंने घर आपको बेच दिया। अबे गुप्ता तू कितना कमीना है, मैंने सोचा भी नहीं था ये। पापा अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैं तो कहता हूँ कि अभी ये गेट खुला है तो मेरे साथ भाग चलो। अरे अगर हम तुम्हारे साथ चले गए ना तो वो भूत हमारा मोर बना देंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो तुम लोग पीछे के रास्ते से भाग निकलो ना, और क्या। हाँ उसने तो आगे वाला दरवाजा बंद किया था ना, पीछे वाला दरवाजा तो शायद बहुत दिनों से बंद है, हम उसे खोल के बाहर निकल जाते हैं ना। और मेरी बात सुनो गुप्ता, हम वापिस आ रहे हैं, अगर वापिस आकर हमारे को पुराना घर नहीं मिला ना तो तू भी किसी को नहीं मिलेगा, समझे। पापा चलो अंदर चलते हैं और पीछे वाला दरवाजा ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ जाओ मारो, मुझे नहीं मरना। आप लोग घड़ी को ऐसे क्यों देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि कब ये दिन ढले और कब तुम्हें पकाएं। पक तो हम वैसे भी गए हैं तुम्हारी बातों से। है? क्या बोला तुम लोगों ने? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हम थोड़ा घर घूम ले। ठीक है घूम लो, उसके बाद में तो मेरे पेट के अंदर घूमोगे और तैरोगे भी। पापा अब जल्दी से यहाँ से चलो, इससे पहले इनको पता चल जाए हमारे बारे में ये हम क्या ढूंढने आए हैं। चलो चलो पीछे का दरवाजा ढूंढते हैं। ढूंढना क्या है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि पीछे का दरवाजा कहाँ है। तू चुप कर, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। चलो चलो चलो। पापा मुझे लगता है ये पीछे का दरवाजा है। चाबी लो। हाँ ये ले बेटा, ये ले चाबी, देख जरा देख, ये वाली है ना। हाँ, हाँ, हाँ। कोशिश कर। पापा मुझे लगता है इस गेट में ना वायर लगा है जिसकी वजह से लाइट ऑन ऑफ हो रही है। ये इस घर की लाइट ऑन ऑफ नहीं, हमारी जिंदगी की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। मैं एक बार फिर से चाबी ट्राई करता हूँ लगा के। लगा बेटा। सुनो ये हमारी सोविंग चोरी है, हम सबको सारा सामान चुरा के पीछे के दरवाजे से निकल जाना है। हाँ हाँ पीछे के दरवाजे से। डन, पीछे के दरवाजे से। मेरे घर में चोरी करेगी।
ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा तू? हैं? ठीक है? पापा, हाँ? मुझे पता चल चुका है इन भूतों से कैसे छुटकारा पाना है। कैसे? अभी तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे ना, लगता है तुम लोगों को आज ही मारना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मारेंगे तो खा नहीं पाएंगे। और तुम्हें पता है ना मुझे बासी खाना पसंद नहीं है, ये कल मारेंगे और कल ही खाएंगे। मम्मी, आपको पता नहीं है अगर इन्हें हमने आज नहीं मारा तो कभी नहीं मार पाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो मैं कहाँ सुनती हूँ, लेकिन तू बोल रहा है ना तो ठीक है, तेरे लिए मैं बासी खाना भी खा लूंगी। तो फिर तुम लोग रेडी हो जाओ मरने के लिए। पापा वो देखो, आज तक इस ताले को हम नहीं खोल पाए तो ये चूजे का बच्चा कैसे खोल पाएगा। हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम इस दरवाजे को खोल सकते हैं, समझे? अरे मम्मी आपा। बेटा जल्दी यहाँ से भाग चलो वरना वो भूत यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अरे नहीं पापा, अब वो भूत यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि हमने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। मतलब? देखा, मैं नहीं कहता था कि मेरा बेटा बहुत होशियार है। अच्छा, वैसे तो हमेशा डांटते रहते हो, अब मेरा बेटा बड़ा होशियार है। गाइस, मम्मी पापा की तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल डालर को सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन आ जाएगा उसे भी दबा दो और कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, capital.com की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाओ फटाफट ट्रेडिंग करो। बाय।